देखिए आपके माध्यम से आज हम ये बताना चाहते हैं कि जो कोविड की सेकेंड वेव है वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है, हम सब जानते हैं, और प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन 2 भी शुरू हो चुका है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, लॉकडाउन 2 तो शुरू कर दिया, आर्थिक मंदी, आर्थिक चोट जो है फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को पड़ेगी इससे, लेकिन इसके लिए क्या उपाय बीजेपी सरकार ने किया है? कुछ आर्थिक सपोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों की देने के लिए कुछ प्लानिंग बीजेपी सरकार ने की है? सपोर्ट करना तो दूर की बात है, मदद करना तो दूर की बात है, आर्थिक चोट जम्मू कश्मीर के लोगों को इस लॉकडाउन 2 में भी पहुंचाई जा रही है। सबसे पहले बात करूंगा मैं माइनिंग की। जो 1000 की बजरी या रेत किसी को घर बनाना है अपने घर में लिए एक ट्रॉली पड़ती है, वो 4000-5000 देने पड़ रहे हैं। वो 3-4 हज़ार रुपये कहाँ जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन खा रहा है, बीजेपी सरकार खा रही है, या कौन खा रहा है? ये ड्रेनेज पैसे की कहाँ हो रही है? क्योंकि ये आम आदमी का कमाया हुआ पैसा है, उस पे के ऊपर ये आर्थिक बोझ पड़ रही है। दूसरा, हमारी डिमांड थी जब लॉकडाउन 1 भी था कि जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, लॉकडाउन के समय उनके बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ, पानी के बिल माफ़ किए जाएँ। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, जो बीपीएल लोग भी हैं उनके घर भी 1.5-1.5 लाख रुपए का बिजली का बिल आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है और ये पावर डिपार्टमेंट कैसे कर रहा है? हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी इसी से ताल्लुक रखते हुए जो एक्सीएन है जम्मू पावर के, उनसे मिले और उन्होंने डिमांड रखी कि बिजली का बिल जो बीपीएल लोगों का है, जरूरतमंद लोगों का है, वो माफ़ करना चाहिए। यूथ कांग्रेस की भी ये डिमांड है, पानी का बिल और बिजली का बिल लॉकडाउन 2 में बंद होना चाहिए। आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से होनी चाहिए, ना कि आर्थिक बोझ जो है वो बीजेपी सरकार और जम्मू कश्मीर के लोगों पर डाले। नमस्कार साथियों, आज आपके साथ रूबरू होने का माइनिंग का इशू, जो माइनिंग पॉलिसी सरकार ने बनाई है, जो खनन माफिया जिसको हम टीवी में देखते थे, आज वही यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रभावी और हावी हो चुका है। आपने लगातार जो सरकार ने पॉलिसियां बनाई थी, जिसको चाहे इनकी एक्साइज पॉलिसी हो, माइनिंग पॉलिसी हो, युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो, जो तमाम पॉलिसियाँ हैं ये जनता के विरुद्ध साबित हुई हैं। अब माइनिंग का इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम टीवी में देखते थे कि माइनिंग माफिया किसी रियासत में बहुत बड़ा हावी हो गया और वो लोगों से जबरन पैसा वसूल रहा है। वैसा ही ये किस्सा हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ है, क्योंकि तमाम जितने भी हमारे ये माइनिंग पॉलिसी के तहत जितने भी ये इनके अलाटमेंट हुई है, जिसका रेट सरकार ने तय किया था 250 रुपये प्रति सैकड़ा, आज उसी का ये 1200 से 1500 रुपये चार्ज कर रहे हैं जो टिप्पर कॉन्ट्रैक्टर हैं। तमाम ऐसे लोग इस धंधे के साथ, व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आज काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही साथ माइनिंग डिपार्टमेंट और प्रशासन और पुलिस अधिकारी भी, जो तीनों ये मिल आपस का इनका जो तालमेल है, उसके साथ ही ना उनको ए परचेज दी जाती है, ना कोई रसीद दी जाती है। बहुत बड़ा माइनिंग घोटाला जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है, इसको सरकार दरकिनार कर रही है और प्रशासन के नाक के नीचे ये जो कार्य हो रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आपके माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि सरकार सचेत रहे और इसको ध्यान से देखे। जो GST आप आम व्यापारियों पर रेट डलवा रहे हो, वही GST की रेट आप उन ठेकेदारों, उन माइनिंग माफिया में डलवाओ जो बाहर से आके हमारी जनता को लूट रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम उदय भानु चिब है। आज हमारे साथ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट राज जी हैं, संदीप शर्मा जी हैं चीफ स्पोक्स पर्सन, विकेट लोत्रा जी जनरल सेक्रेटरी हैं, नितेश शर्मा जी स्टेट सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस हैं। देखिए, आज हम जिस तरह से बता रहे हैं, कोविड 2 आ चुका है, लॉकडाउन लग चुका है, हम डिमांड करते हैं बीजेपी सरकार से कि लोगों को आर्थिक मदद की जरूरत करें, क्योंकि लॉकडाउन के समय बहुत आर्थिक मंदी छाएगी जम्मू कश्मीर में फिर से। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आर्थिक मदद करने की बजाय आर्थिक बोझ बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों पर डाल रही है। सबसे पहले जो माइनिंग का इशू है, 1000 की बजरी 4000-5000 में जम्मू का इंसान खरीद रहा है जिसको अपना घर बनाना है। ये सीधे सीधे काला धन कहाँ जा रहा है, करप्शन कहाँ जा रही है, ये सवाल बीजेपी से पूछने की जरूरत है। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको बिजली का बिल, पानी का बिल माफ़ करने की जरूरत है। लेकिन बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है कि जो बीपीएल लोग हैं उनके घर भी 1.5-1.5 लाख का बिजली का बिल गया है। हमारे जनरल सेक्रेटरी निक्की जी एक्सीएन से भी मिले हैं, पावर डिपार्टमेंट की डिमांड रखी है यूथ कांग्रेस ने कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं कोविड 2 के चलते, लॉकडाउन 2 के चलते, उनका बिजली का बिल और पानी का बिल माफ़ होना चाहिए, नहीं तो यूथ कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।